सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का निर्णायक मैच खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम T20 सीरीज पर कब्जा कर लेगी। ऐसे में मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बड़ी बात कही है। इस दौरान उन्होंने इशारे इशारे में आने वाले मैच में बड़े बदलाव की संभावनाओं की बात कर दी है। हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास नहीं रहा है। T20 की बात करें तो हार्दिक का प्रदर्शन बल्ले से बेहद खराब रहा है। उन्होंने दो मैचों में सिर्फ एक रन बनाया, वहीं गेंदबाजी में भी उन्हें दो ही विकेट हासिल हुए हैं। वहीं दूसरे मैच की बात की जाए तो एक बार फिर से वो एक रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने एक ओवर में ही 14 रन दे डाले थे। ऐसे में उनके इस तरह के प्रदर्शन के बाद तीसरे मैच में उनकी जगह पर सवाल या निशान लग गए हैं। तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में भुवनेश्वर कुमार ने कहा, हम परिस्थितियों को देखकर तीसरे T20 मैच में अपने टीम के कॉम्बिनेशन को उतारेंगे। टीम का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। हम पहले की तरह 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और एक हार्दिक पांड्या के साथ भी उतर सकते हैं और कुछ अलग भी हो सकता है। ये फैसला विकेट की परिस्थितियों को देखकर किया जाएगा। इस समय भुवनेश्वर का सीधा इशारा हार्दिक पांड्या की तरफ था। अब तक पिछले 5 मैचों में हार्दिक ने सिर्फ 55 रन ही बनाए हैं। वहीं T20 के पिछले 2 मैचों में हार्दिक का बल्ला बिल्कुल शांत रहा है। पहले मैच में हार्दिक बिना खाता खोले आउट हो गए थे। वहीं दूसरे मैच में जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में हो सकता है कि तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या को बाहर बैठा दिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यहीं मिलेंगी।